थाना फेस्थर पुलिस टीम द्वारा देर शाम की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान काले और लाल रंग की पैशन गाड़ी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को जब रोका गया तो यह व्यक्ति रुका नहीं, इसने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कार्रवाई शुरू कर दी। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस से हुई मुठभेड़ में जब यह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तो यह पता चला कि एक अंतर्राज्यीय अपराधी है। इसका नाम अभिषेक शनाफ राकेश कुमार, जो कि मूल निवासी भोला नगर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का निवासी है ये, और वर्तमान में त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली में निवास कर रहा था। इस अपराधी के ऊपर संपत्ति संबंधी विभिन्न अपराधों के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और थाना फेज थर्ड के ही गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में पूर्व से वांछित था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसको पकड़े जाने के बाद उपचारार्थ सरकारी अस्पताल जिला इलाज के लिए भेजा गया है। इससे जो बरामदगी हुई है वो एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी इससे पकड़ी गई है। इस संबंध में और भी पूछताछ की जाएगी और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो सुनिश्चित की जाएगी।